नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं साप्ताहिक राशिफल के बारे में, वीकली राशिफल के बारे में, जो कि 20 जनवरी से 26 जनवरी के लिए होगा। अपने हर राशिफल के वीडियो में आपसे एक बात कहता हूं कि जो राशिफल होते हैं वो सामान्य स्तर पर होते हैं, क्योंकि ग्रहों के गोचरों पर ही आधारित होते हैं। यदि आपको खुद के बारे में कोई सटीक जानकारी चाहिए तो इसके लिए कई सारी चीजों का एक साथ मिलाकर के अध्ययन करना पड़ता है। संक्षेप में कहें तो आपकी जन्म पत्रिका का विस्तार से विश्लेषण करने पर एक जानकारी निकल के आती जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होती, लेकिन राशिफल जानना भी बहुत जरूरी हो जाता है, जिससे कि आपको यह पता चल जाता है कि आपके लिए आने वाला जो सप्ताह है उसके अनुसार, उसके आधार पर ग्रहों के गोचर कैसे होने वाले हैं, ग्रहों के गोचरों के आधार पर आपका भविष्य कैसा होने वाला है, कहां पर आपको सावधानी बरतने की जरूरत है, कहां पर आपके लिए खुशखबरी है। तो राशिफल जानना भी बेहद जरूरी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और मेष राशि से लेकर के मीन राशि के बारे में चर्चा करते हैं। मैं आपको यहां पर राशिफल बताता हूं। सबसे पहले मेष राशि के जातकों से बात करें तो भाई स्वास्थ्य का, शारीरिक स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखने की ज्यादा जरूरत है। यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। ये योग जो है ये आपको मानसिक खुशी जरूर दे सकते हैं। खासतौर पर हम कहें तो पारिवारिक दृष्टिकोण से आपको बहुत ज्यादा करीब लाने का प्रयास करेंगे। आपको जो रिश्तेदार हैं उनको और ज्यादा प्रेम में डालने का, करीब लाने का प्रयास करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं शारीरिक तौर पर आपको दिक्कत हो सकती है। खासतौर पर शारीरिक स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है, जैसे यदि आपको कोई बड़ी बीमारी है जैसे डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन, इस तरह की बीमारियों में आपको परेशानी हो सकती है। नहीं भी कोई बड़ी बीमारी है तो भी अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज्यादा जरूरत है। अदरवाइज जैसा मैंने बताया, पारिवारिक दृष्टिकोण से वक्त बहुत अच्छा है, यात्राएं भी अच्छी रहेंगी, केवल आपको शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है। एक बात और यह हो सकती है, खर्चे आपके ज्यादा हो सकते हैं जिस पर आपको काबू पाने की जरूरत है। साथ ही साथ रिस्की इन्वेस्टमेंट ना करें, शेयर मार्केट या भूमि में पैसा फिलहाल के लिए ना लगाएं, या फिर किसी को पैसा उधार देने की सोच रहे हैं तो ना दें, क्योंकि वह पैसा हो सकता है कि वापस ना आए। मेष राशि के बाद वृषभ राशि के जातकों की बात करें तो धन में वृद्धि मुझे यहाँ पर बनती हुई नजर आती है। यदि ऑलरेडी आप व्यवसाय करते हैं तो उसमें मुझे आपकी उन्नति दिखती है, आपकी सफलताएं दिखती है। यदि आप नौकरी करते हैं तो हो सकता है कि आपको इंक्रीमेंट लग जाए, अदरवाइज ये फाइनल हो जाए कि आने वाले वक्त में इंक्रीमेंट हो जाएगा। यदि आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट्स के लिए भी ये वक्त बहुत अच्छा है, बहुत सफलताकारी है। कोई एग्ज़ाम का रिजल्ट आने वाला है तो बहुत ही पॉजिटिव आएगा। यदि आपकी कोई एग्ज़ाम है तो उसमें भी आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहने वाला है। पारिवारिक दृष्टिकोण से वृषभ राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा, बहुत खुशनुमा समय है। वृषभ राशि के बाद मिथुन राशि के जातकों की बात करें तो आपके लिए यहाँ पर लाभ के योग दिखते हैं, पदोन्नति के योग दिखते हैं। साथ ही साथ यदि आप प्रेम प्रसंग में हैं तो प्रेम प्रसंग में सफलताओं के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं, और पारिवारिक दृष्टिकोण से भी यह समय बहुत अच्छा है। जब मैं कहता हूँ प्रेम प्रसंग में सफलताएं, तो इसका मतलब ये होता है कि यदि आप प्रेम प्रसंग में हैं और हो सकता है कि आपके घर परिवार या रिश्तेदारों के द्वारा आपके प्रेम प्रसंग को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, आप विवाह करना चाह रहे हैं, तो हो सकता है कि आप अपने घर परिवार या अपने रिश्तेदारों को मनाने में यहां पर सफल हो जाएं और फिर आपके विवाह की जो है तारीखें कहीं ना कहीं डिसाइड हो जाए, तो इसे मैं प्रेम प्रसंग की सफलताएं कहता हूं। इसके बाद में यात्राओं के योग भी दिखते हैं, यात्राएं जो है वो सुखद रहने वाली है। मिथुन राशि के बाद कर्क राशि के जातकों की बात करें तो फिजूल के विवाद में आप फंस सकते हैं। ये विवाद पारिवारिक दृष्टिकोण से मैं खासतौर पर बात कर रहा हूं। आपके माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, संतान, इनसे कुछ ना कुछ विवाद हो सकता है, जिस वजह से मानसिक तौर पर आपको परेशानी हो सकती है। ऑब्वियसली घर परिवार में विवाद होता है तो परेशानियां बढ़ जाती है, मानसिक परेशानियां बढ़ जाती है। लेकिन वहीं यदि हम बात करें आपके धन की, आप जो काम करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, तो वहां पर आपका परफॉर्मेंस जो है वो अच्छा रहेगा। धन जो है थोड़ा सा खर्च ज्यादा हो सकता है, खर्चों पर काबू पाने की जरूरत है, लेकिन चिंता का कोई बहुत बड़ा विषय मुझे यहाँ पर नहीं दिखता है। रिस्की इन्वेस्टमेंट जरूर से आप कर सकते हैं, शेयर मार्केट या भूमि में पैसा लगा सकते हैं, और ये आपके लिए फायदेमंद, लाभप्रद ही रहने वाला है। कर्क राशि के बाद सिंह राशि के जातकों की बात करें तो आप जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी योजनाएं आपने बना करके रखी है, उन सारी योजनाओं में, उन सारे कार्यों में मुझे आपकी सफलताएं यहां पर बनती हुई नजर आती है। खास तौर पर यदि आप स्टूडेंट हैं और कोई एग्जाम आने वाली है और वो एग्जाम की डेट आ चुकी है, बिल्कुल आप तगड़ी पढ़ाई कीजिए, आपकी सफलताएं निश्चित है, आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा जाएगा उस एग्जाम में।
तो ये मुझे बहुत अच्छा यहाँ पर नजर आता है। यदि आप नौकरी भी करते हैं तो भी पदोन्नति के योग नजर आते हैं। शेयर मार्केट भूमि में पैसा लगाना चाहते हैं तो पैसे बढ़ने के योग दिखते हैं। बिजनेस में भी पैसे बढ़ने के योग दिखते हैं। बहुत अच्छा आपके लिए समय। सी राशि के बाद कन्या राशि के जातकों की बात करें तो लंबे वक्त से कोई कार्य रुका हुआ था, वो किसी भी तरह का कार्य हो सकता है, चाहे वो धन से रिलेटेड हो, आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, आपके नौकरी से रिलेटेड हो, आपके परिवार से रिलेटेड हो, किसी जगह पर जाने से रिलेटेड हो, स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पा रहे थे तो उस विषय में जो भी कोई कार्य लंबे वक्त से रुका हुआ था उस कार्य में यहाँ पर पूर्णता या फिर उस कार्य में सफलता के योग बनते हुए नजर आते हैं और जो पुरानी चिंताएं थी वो भी यहाँ पर मिटती हुई मुझे नजर आती है। यात्राओं के योग भी दिखते हैं, यात्राएं जो है वो बड़ी सुखद रहने वाली है। ऑल सफलताकारी ये वक्त ये सप्ताह आपके लिए रहने वाला है। कन्या राशि के बाद तुला राशि के जातकों की बात करें तो किसी न किसी तरह का किसी न किसी के द्वारा शुभ समाचार आपको यहाँ पर मिल सकता है। वो शुभ समाचार विवाह को लेकर हो सकता है, संतान को लेकर के हो सकता है, नौकरी को या फिर धन को लेकर के हो सकता है, रिजल्ट को लेकर के हो सकता है। किसी न किसी तरह का शुभ समाचार, यदि आप किसी शुभ समाचार की प्रतीक्षा में है तो बिल्कुल तैयार हो जाइए, आपको समाचार मिलने वाला है। हाँ, एक चीज ये जरूर है कि अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो छोटी मोटी समस्याएं शारीरिक तौर पर जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती हैं वो आपको हो सकती है, छोटी मोटी बीमारी आपको यहाँ पर परेशान कर सकती है। लेकिन प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग है, यश में वृद्धि के योग है। आपके लिए मैं कहूँगा समय बहुत अच्छा है, केवल शारीरिक स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। तुला राशि के बाद वृश्चिक राशि के जातकों की बात करें तो सम्मान यहाँ पर आपका बढ़ने वाला है, प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है, लाभ आपका यहाँ पर बढ़ने वाला है, धन भी बढ़ने वाला है। लेकिन एक चीज ये कहूंगा, चिंताएं भी बढ़ने वाली। कई बार ये होता है कि जिम्मेदारियां बढ़ती है तो प्रतिष्ठा भी बढ़ती है, लाभ भी बढ़ता है, साथ ही साथ आपका धन भी बढ़ता है, लेकिन जब जिम्मेदारियां बढ़ती तो चिंताएं भी बढ़ जाती हैं। तो चिंताएं भी यहाँ पर बन सकती है, बढ़ेगी, लेकिन मेरा वो कहना यह है कि ये चिंताएं फिजूल की रहने वाली है। फिजूल की चिंताओं से आपको यहाँ पर निकलना चाहिए, क्योंकि ये आपको आज के एंजॉय से दूर कर सकती है। अदरवाइज आपके लिए वक्त सफलताकारी है, बड़ा ही अच्छा है। यदि चिंताओं को निकाल दिया जाए तो बड़ा ही उत्साहवर्धक ये समय आपके लिए रहने वाला है। वृश्चिक राशि के बाद यदि हम बात करते हैं धनु राशि के जातकों की, तो ये देखिए यहाँ पर जो है आपको खर्च ज्यादा होगा, तनाव की स्थिति यहाँ पर ज्यादा आपकी निर्मित हो सकती है। तनाव भी जो है वो वाजिब हो सकता है, क्योंकि इस समय ये हो सकता है कि आपका काम न बने, यदि कोई एग्जाम है तो अच्छे तरह से आप उस एग्जाम को न दे पाए या परफॉर्म न कर पाए। रिजल्ट आने वाला है तो हो सकता है कि रिजल्ट में कमी हो जाए, या फिर कहीं वाद विवाद की स्थिति आपके जहाँ आप काम करते हैं, नौकरी करते हैं, या फिर यदि आपका बिजनेस भी है तो वाद विवाद की स्थितियाँ निर्मित हो जाए। तो ऐसे योग बनते हुए नजर आते हैं। लाभ में कहीं ना कहीं मुझे कमी दिखती है, वो लाभ हो सकता है धन का लाभ हो, वो हो सकता है स्वास्थ्य का लाभ हो। यदि आप लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं और कहीं इलाज ले रहे हैं तो हो सकता है उस इलाज के लाभ में कमी आपको देखने को मिले। थोड़ा सा ये वक्त ये सप्ताह आपके लिए कठिन हो सकता है, लेकिन आने वाला वक्त आपके लिए अच्छा होगा। इस सप्ताह को निकल जाने देने का प्रयास करें, प्रतीक्षा करें। और फाइनली मकर राशि के जातकों की बात करते हैं तो शुभ समाचार आपको यहाँ पर मिल सकता है। नई नई योजनाएं भी आप बना सकते हैं, नई योजनाएं आपके बिजनेस को लेकर के हो सकती है। यदि आप पढ़ाई करते हैं तो उस विषय में कोई नई योजनाएं हो सकती हैं, नई प्लानिंग्स कुछ कर सकते हैं आप बिजनेस सॉरी यदि आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में भी आप जो है स्विच करने का सोच सकते हैं, कहीं बड़ी कंपनी में जाने का सोच सकते हैं, उस विषय में कोई नई प्लानिंग नई योजनाएं बना सकते हैं। बाहर घूमने फिरने जाने की कोई नई प्लानिंग नई योजनाएं बना सकते हैं। तो आपके लिए नई योजनाओं से भरा हुआ ये वक्त रहेगा, नए विचारों से भरा हुआ ये सप्ताह रहेगा। हालांकि इस सप्ताह हो सकता है कि आपको उतनी सफलताएं ना मिले उन नई योजनाओं में, लेकिन कोई बात नहीं, एकदम से सफलताएं नहीं मिल जाती। योजनाएं बनाइए, उन पर आप चलिए और आने वाला वक्त आपको सफलताएं भी जरूर से दे देगा। मेहनत इस सप्ताह आपको ज्यादा करनी पड़ेगी। और मकर राशि के बाद कुंभ राशि के जातकों की बात करें तो धार्मिक कार्यों में धार्मिक चीजों में आपका मन यहाँ पर ज्यादा लगेगा। साथ ही साथ जो घर परिवार की या पारिवारिक परिस्थिति की बात करें, पारिवारिक स्थिति की बात करें तो बहुत ही खुशनुमा रहने वाली है। परिवार का साथ भरपूर आपको मिलने वाला है। यात्राओं के योग हैं, यात्रा बड़ी सुखद यहाँ पर रहने वाली है आपकी। और इसी के साथ साथ मैं ये कहूँगा कि यदि नौकरी लगना चाहते हैं उसके लिए बहुत अच्छा वक्त है। कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कॉन्फिडेंस
के साथ जाइए, बिल्कुल आपका इंटरव्यू जो है वो सफल होगा, आपको सिलेक्ट किया जाएगा। बस कॉन्फिडेंट रहिए, बिल्कुल चिंताएं मत कीजिए, डरिए मत, घबराइए मत, आपके लिए सफलताओं का समय यह है। कुंभ राशि के बाद यदि हम चर्चा करते हैं मीन राशि के जातकों की, तो आपके लिए भी बहुत ही शानदार ये वक्त है। पदोन्नति का ये वक्त मुझे दिखाता है, यात्राओं से भरा वक्त है, लेकिन यात्राएं सुखद रहने वाली है, यात्राएं कुछ दिला करके जाने वाली है। मांगलिक प्रसंग, मांगलिक कार्य के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। घर परिवार में खुशी का माहौल रहेगा, उत्साह का माहौल रहेगा। पारिवारिक रिश्ते, वो रिश्ते जो दूर हो चुके थे उनमें करीबी यहाँ पर आती हुई मुझे नजर आती है, और जो करीब रिश्ते थे और ज़्यादा वहाँ पर खुशनुमा माहौल मुझे दिखता है। हाँ, खर्चे यहाँ पर ज़्यादा आपके हो सकते हैं, लेकिन ठीक है, जब मांगलिक प्रसंग घर में होता है, मांगलिक कार्य होता है, तो खर्चे हो जाते हैं। ऑब्वियसली ये आपको आने वाले वक्त में खर्चे परेशान नहीं करेंगे, तो खर्चे यदि होते भी हैं तो डरने की, घबराने की जरूरत नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। और कहूंगा मीन राशि के जातकों के लिए समय बहुत अच्छा है, चाहे आप जो भी करते हो। तो मेष राशि से लेकर के मीन राशि के जातकों के बारे में यहाँ पर हमने समझा, यहाँ पर मैंने आपको बताया, मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें, ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। आने वाले वीडियोज़ में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार।